दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जबलपुर में बनने वाले फ्लाईओवर से रूबरू करवाता हूं, उसके बारे में कुछ जानकारियां देता हूं। मध्य प्रदेश में बनने वाली सबसे बड़ी फ्लाईओवर जबलपुर में बन रही है, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखा भी रहा हूं और बहुत अच्छे से इसका काम भी चल रहा है, काम में बहुत तेज़ी भी है। अभी मैं आपको फ्लाईओवर के ऊपर से ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। मैं अभी जहाँ पे उपस्थित हूँ, ये मदन महल चौराहा कहलाता है, मदन महल चौक, और यह यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जो कि फ्लाईओवर का हिस्सा है, रोटरी का निर्माण हुआ है। रोटरी मीन्स होता है ये 360 डिग्री में आपको ये गोलंबर जैसा पूरा दिखेगा, आपको ये व्यू आपको पूरा गोलंबर के जैसा दिखेगा, जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, मैं उसी पे चल भी रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट का काम हो चुका है और स्लैब कॉन्क्रीटिंग की तैयारी हो रही है। ये वाला जो रास्ता है ये महानंदा रैम की ओर जाता है, ये कंक्रीट की तैयारी चल रही है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट का काम पूरा हो चुका है। ये महानंदा रैम की ओर नीचे की तरफ जाती है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, इधर आइए। इधर देखिए काम जोर शोर से चल रहा है, इधर भी एक स्लैब की तैयारी चल रही है, जो गुलाटी रैंप के तरफ से जो रोड आ रही है फ्लाईओवर बनते हुए, और वो रोटरी में कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे स्लैब की तैयारी चल रही है। यहाँ भी रेनफोर्समेंट का काम चल रहा है और संभवतः आज रात में इसकी कंक्रीटिंग भी होने वाली है। हाँ, मैं आपको रोटरी के बारे में बता रहा था। ये गोलंबर देखिए आप गौर से, बड़ा सुंदर लगता है नीचे से देखने से। देखिए ये इसका व्यू देखिए, है ना, इस तरह से इसका व्यू है। देखिए वो स्टेयर कैसे नीचे से ऊपर आने के लिए, वर्करों को काम करने के लिए, स्टाफ लोगों को ऊपर आने के लिए वहाँ पे बीच में एक स्टेयर कैसे डाला गया है, जिससे कि सारे लोग ऊपर आकर के काम करते हैं। हाँ, इधर देखिए यहाँ पे देखिए ज़ोर शोर से काम चल रहा है ना, आज नहीं तो कल इसका कंक्रीट की तैयारी है, है ना। देखिए ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी फ्लाईओवर है, ये अपने आप में भी एक बड़ी बात है, और इसका निर्माण एनसीसी कंपनी कर रही है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। हाँ, आपको इस हिस्से को दिखाता हूँ जो कि 98% कंप्लीट हो चुका है। ये आपको रोड बना हुआ दिखेगा, ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह लग चुके हैं रोड पे, जो लाइटिंग के लिए पोल्स लगते हैं वो लगा दिए गए हैं। और अभी ये जो साइड वाला जो वॉल है इसमें भी पेंटिंग होना बाकी है। हाँ, कुछ कुछ काम बचा हुआ है पर मैक्सिमम काम इधर का हो चुका है। देखिए एक और व्यू आपको दिखाता हूँ, एक गुरुद्वारा पे नज़र पड़ा, वो देखिए थोड़ा दूर में है। हाँ, नज़दीक करके दिखाता हूँ जूम करके, बहुत सुंदर गुरुद्वारा है, मदन महल चौक के नज़दीक है, इसलिए वो आपको कैमरे में व्यू में दिख गया। और चलिए मैं आपको फ्लाईओवर के ऊपर थोड़ा दूर चल करके बात करता हूँ। इसकी लंबाई फ्लाईओवर की करीब 7-7.5 किलोमीटर के आसपास है, और जिस हिस्से पे मैं हूँ ये लगभग कंप्लीट है। ये गुलाटी जो कि प्रेम नगर में है, गुलाटी पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से लेकर के ये दामो नाका तक ये फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, काम जोर शोर से चल रहा है, संभवतः 8-9 महीने, मैक्सिमम 1 साल मान के चल सकते हैं कि
पूरे तरीके से ये तैयार हो जाए और जबलपुर वासी के लिए ये बहुत बड़ा और अच्छा सौगात होगा। ट्रैफिक को नज़र में रखते हुए ये जबलपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा सौगात है, क्योंकि आए दिन ट्रैफिक की मार जो है पब्लिक रोड पे झेलती हैं, जिसके लिए से ये वरदान साबित होगा। कल और परसों मैं आपको केबल स्टे ब्रिज के बारे में बात कर रहा था, वीडियो बनाया था, वो देखिए वो यहाँ से भी दिख रहा है, उसको मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा। वो यहाँ से करीब करीब 500 मीटर की दूरी पे है, लेकिन मैं यहाँ से जूम करके आपको दिखाया, क्योंकि कल और परसों मैं उसके ऊपर छोटा छोटा वीडियो बनाया था। तो मैं आज सोचा कि आपको इस रोटरी के हिस्से के बारे में थोड़ा जानकारी दूँ, बहुत खूबसूरत लगता है देखने से। देखिए दूर से भी मैं आपको ये रोटरी दिखा रहा हूँ, रोटरी का मतलब एक तिहाई हिस्सा इस तरफ से इस एंगल से दिख रहा है, तो जो आप देख रहे हैं ये पूरा गोलंबर में बना हुआ है, गोल 360 डिग्री में, खूबसूरत लगता है। अभी पेंटिंग का काम चालू है नीचे, तो पेंटिंग डेंटिंग होने के बाद में और बड़ा सुंदर दिखेगा। तो यही जानकारी देनी थी आप लोगों को कि आपके शहर में जबलपुर में इस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, कितना काम हो चुका है, जिस हिस्से का काम लगभग कंप्लीट है उस हिस्से से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं, और जो काम चल रहा है इन प्रोग्रेस है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कनेक्टिविटी भी एक सप्ताह में मान के चलिए हो जाता है रोटरी के साथ में। सामने वाला ये कनेक्टिविटी और दिखा रहा था जहाँ पर रेनफोर्समेंट का काम चल रहा था, तो वो भी 1 वीक के अंदर हो जाना है। तो काम तो गति से चल रही है, आपको मैं दिखा दिया, धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।